नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी बोर्ड त्रैमासिक का जो एग्जाम चल रहा है कक्षा 12 रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर के क्वेश्चन हल के बारे में जानेंगे, जो कि मित्रों हर साल पूछे जाते हैं। यहां पर देखिए, जो पहला नंबर क्वेश्चन, पहले हम बहुकल्पी के बारे में जानेंगे, फिर लघु उत्तरी, फिर पर्यायतुलक, फिर लघु उत्तरी। मित्रों अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रेफाइट है। तो मित्रों अगर ग्रेफाइट की बात करें, आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजी ठोस है, आण्विक ठोस है। तो मित्रों जो ग्रेफाइट होता है वह सहसंयोजी ठोस के अंतर्गत आता है, राइट। निम्न में किस अणु के केंद्रक परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है? तो मित्रों निम्न में से किस अणु के केंद्रक परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करें तो NH3 होता है। मित्रों NH3 जो होता है इसके अणु पर, इसके केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, वो भी एक नहीं बल्कि दो दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस में होता है, तो मित्रों जो क्रिस्टलीय ठोस होता है दीर्घ परास्कोट होता है, लघु परास्कोट या अनिश्चित व्यवस्था या ननाभदेश। तो मित्रों जो एक क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण पार्टिकल अरेंजमेंट होते हैं वो दीर्घ परासी व्यवस्था में या दीर्घ परासी कोट में अरेंजमेंट होते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मित्रों हम लोग बात करें, निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है? तो मित्रों निम्न में अगर न्यूनतम हिमांक वाला विलयन की बात करें तो पोटेशियम सल्फेट होता है, राइट। क्या होता है मित्रों? पोटेशियम सल्फेट होता है। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाए वह कौन सी धातु है? इन चारों में से आपको एक ऑप्शन बताना है अपने दिमाग पर, एल्यूमिनियम होता है, राइट। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है? तो मित्रों जो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है? देखिए धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, या विलयन की ताप पर निर्भर करता है, या विलयन की मूढ़ता पर, या इनमें से सभी। तो मित्रों जो ऑप्शन सही है वो डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, तो इनमें सभी पर होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? शून्य कोट, प्रथम कोट, द्वितीय या तृतीय? तो मित्रों किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक इकाई समान होती है? तो वह है शून्य कोटि, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेग स्थिरांक ताप बढ़ने पर बढ़ेगा, अगर वेग स्थिरांक का ताप बढ़ा दिया जाए तो वेग स्थिरांक में क्या परिवर्तन होगा? तो वही कह रहा है बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ननाभदेश। तो मित्रों अगर आप वेग स्थिरांक का ताप बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है वो बढ़ेगा ही, वेग स्थिरांक बढ़ ही जाएगा, राइट। चलिए अब देखिए मित्रों हम आपके लिए ले आए हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न जो दो नंबर के आते हैं, राइट। वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक में अंतर स्पष्ट करना है, तो चलिए देखते हैं क्या अंतर है। वेग स्थिरांक अभिकारक पदार्थों की इकाई सांद्रता पर लेने वाली सभी अभिक्रिया की गति को कहते हैं, जबकि साम्य स्थिरांक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा विपरीत क्रिया के साम्य स्थिरांक का अनुपात होता है। तो इस प्रकार से आप मित्रों क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मित्रों क्या कह रहा है, पेप्टीकरण की क्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो मित्रों जो पेप्टीकरण की क्रिया है हमें इसे उदाहरण द्वारा समझाना है। पेप्टीकरण की जो विधि स्कंदन के विपरीत है, इसमें ताजे बने हुए अवक्षेप को किसी वैद्युत अपघट के तनु विलयन के साथ मिलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, जैसे फेरिक ऑक्साइड के सभी ताजे अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाने पर लाल रंग का फेरिक हाइड्रॉक्साइड कोलाइडी विलयन बनता है, राइट। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग सीख पाए एमपी बोर्ड त्रैमासिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं। अब जय हिंद, जय भारत।